काफ़ी लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट क्यों रखा गया है, तो थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ये इसलिए रखा गया जैसे कि फर्स्ट वाइफ तो घर पे खिलाती है खाना, तो सेकंड यहाँ पे वही टेस्ट मिलता है जो घर पे मिलता है। यानी कि अगर घर पे कभी खाना ना मिले तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सेकंड वाइफ इसलिए रखा गया है नाम कि आप यहाँ पे खा सकते हैं, तो खाना खिलाने के लिए ये सेकंड, हाँ ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसलिए सेकंड वाइफ यहाँ पे नाम रखा गया है। तो बहुत अच्छे से हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाई आराध्या। आई एम अनुज तोमर और आज मैं आपको लेकर आया हूँ दोस्तों बड़ौद के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट जिसका नाम है द सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। तो ये बड़ौद में अभी हाल ही में खुला है, एक या दो महीने पहले ही इसकी ओपनिंग हुई थी। तो आज हम दोस्तों इस रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे हम डिनर करेंगे। शाम का समय है, लगभग 7 बजे का समय हो गया है, तो यहाँ पे आज हम डिनर करने आए हैं और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है खाने की आपको, और आप जो है खाने का टेस्ट कैसा है। इसमें जो लिखा हुआ है बोर्ड पे मूर्थल के मशहूर सेफ़, यानी कि यहाँ पे मूर्थल के मशहूर सेफ़ आए हैं। मूर्थल जो कि पराठों की नगरी कहा जाता है उसको, बहुत ज़्यादा फेमस वहाँ के पराठे हैं। तो दोस्तों वहाँ के सेफ़ आए हैं, तो चलिए उनसे भी बात करेंगे, आपकी जो है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और यहाँ के बारे में सब कुछ आपको पूरी जानकारी मिलेगी, किस तरह का खाना है और क्या क्या कॉस्ट होने वाली है खाने की। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपका शुभ नाम? भीम सिंह राणा जी। जी, तो सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से हूँ जी, करनाल से। करनाल से, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्थल के मशहूर सेफ, तो वे आप ही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो, देखो ये है मूर्थल के मशहूर सेफ। और ये कौन से रेस्टोरेंट में रहते थे पहले आप? मैं सुखदेव में रहता था। अच्छा, सुखदेव में, तो सुखदेव से आए हैं। देखो तो बड़ौद में भी अब मूर्थल वाली जो खाना है वो आ गया है, आप मूर्थल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको बड़ौद शहर में ही वहाँ का टेस्ट, मूर्थल वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सभी चीज़ें, दाल मखनी अपनी, लुआबदार होया, मलाई कोफ्ते होया, और शाही पनीर होया, कढ़ाई पनीर होया, मटर मशरूम होया, सभी चीज़ें है जी यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ जी, चलिए तो हम यहाँ पे दोस्तों डिनर करने के लिए आए हैं आज, तो देखेंगे डिनर में हम क्या ऑर्डर करते हैं, पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद यहाँ का कैसा टेस्ट है, खाने अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी चेयर्स हैं। तो ये रेस्टोरेंट स्पेशली बनाया गया है जो लोग पार्टी करने के लिए मूर्थल वगैरह जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, तो उनको अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी अब यहीं आपके अपने शहर बड़ौद में आ गई है। दोस्तों अब आपको यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करवाते हैं। तो सर आपका नाम? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, तो सर आपके ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग कब हुई थी? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को, यानी कि लगभग दो महीने होने वाले हैं, तो बहुत ही कम समय हुआ है और काफ़ी फेमस ये बड़ौद में हो गया है। हम भी आज नाम सुन के ही आए हैं द सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। तो सर सबसे पहले काफ़ी लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट क्यों रखा गया है, तो थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ये इसलिए रखा गया जैसे कि फर्स्ट वाइफ तो घर पे खिलाती है खाना, तो सेकंड यहाँ पे वही टेस्ट मिलता है जो घर पे मिलता है। यानी कि अगर घर पे कभी खाना ना मिले तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सेकंड वाइफ इसलिए रखा गया है नाम कि आप यहाँ पे खा सकते हैं, तो खाना खिलाने के लिए ये सेकंड, हाँ ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसलिए सेकंड वाइफ यहाँ पे नाम रखा गया है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ की वैरायटी सर क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे डिनर के लिए आए हैं तो डिनर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे? डिनर में हमारा सबसे स्पेशल है पनीर लबाबदार जी, किंग स्पेशल है ये हमारा, और थाली भी है हमारे पास जी, और दाल मखनी भी है, और पनीर पसंदा है जी, ये हमारी चाप भी है, पनीर टिक्का हो गया, चाप हो गई, सब हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे यहाँ के ओनर हैं, अब दिखाते हैं हम दोस्तों यहाँ का खाना कैसा होगा। तो चलिए अब हम मेन्यू कार्ड देखेंगे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं, फिर यहाँ पे डिनर करेंगे, तो आपको सब चीज़ें दिखाई जाएगी। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइस। अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, ये मेन्यू कार्ड है, और हमने ऑर्डर किया है मलाई चाप और स्टफ नान। तो अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है। तो दोस्तों आज मैं फैमिली के साथ आया हूँ, ये आप देख सकते हो माय वाइफ एंड
माई टू डॉटर्स आराध्या एंड आरोही। तो दोस्तों चलिए आपको किचन दिखाते हैं, यहाँ पे आइए अंदर चलते हैं किचन में, तो आपको किचन भी आपको दिखाऊंगा यहाँ का। ये देख सकते हैं ये आपका मैं किचन दिखा रहा हूँ अंदर का। ये देखिए बिल्कुल हाइजेनिक यहाँ पे फूड है और काफ़ी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ का स्पेशल पराठा है जो कि मूर्थल का पराठा है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके बारे में जानते हैं, सर ये कौन सा पराठा होगा थोड़ा इसके बारे में बताइए। आलू प्याज का, प्याज का पराठा। तो ये दोस्तों प्याज वाला पराठा है, देखो मूर्थल वाला जो मूर्थल में बनता है सुखदेव ढाबे पर, तो वो पराठे अब आपको बड़ौत में ही अवेलेबल हो जाएंगे द सेकंड वाइप रेस्टोरेंट में। ये देखिए यहाँ पे किचन में आपको दिखा रहा हूँ, पूरी प्योर वेजिटेरियन खाना यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको सारी चीज़ें अंदर की दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे सैलेड को काटा जा रहा है और ये मलाई चाप तैयार किया जा रहा है यहाँ पे जी। तो ये देखिए हम हमारे लिए आ गया पराठा, ये देखो कितना बड़ा पराठा आया है भाई, और साथ में बटर भी है। भाई इसमें है दोस्तों, इसमें चटनी और सिरके वाला प्याज है और साथ में पिकल्स भी है। इधर रख लेते हैं इसको। चलिए दोस्तों अब हम पूछते हैं आराध्या से, तो बेटा आपको कैसा लगा खाना बता दो, उधर देखो वहाँ देख के। अच्छा रही, आपको कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो चलिए भाई बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी खाना था। और अभी हमने डिनर कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं, तो डिनर कर रहे हैं। तो कुछ रिव्यूज़ हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ का खाना कैसा लगा और इस खाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो कस्टमर आते रहते हैं जो यहाँ पर रेगुलरली। तो चलिए पूछते हैं सर आपका नेम। रिजवान खान जी। तो कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? काफ़ी अच्छा है खाना। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी आए हो? जी जी पहले भी आया हूँ मैं। पहले भी आए हो तो खाना अच्छा लगता है? फैमिली के साथ। हाँ आपका अच्छा लगे भैया खाना? जी भैया जी। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में से मैं बात करूं रेस्टोरेंट के खाने के? 10 में से 10 है। 10 में से 10 है तो बहुत ही शांति प्रिय तो माहौल है बिल्कुल। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिनर कर सकते हैं। ये देख सकते हो कितनी अच्छी डेकोरेशन है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं डिनर। कुशलपाल है जी। कुशलपाल जी, तो सर आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। अच्छा खाना है? हाँ टेस्टी खाना। पहले भी आए हो कभी? नहीं पहली बार रुके। फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट टाइम रुके, यहाँ आते तो डेली है। अच्छा अच्छा, तो खाना काफ़ी अच्छा है। हाँ बढ़िया खाना जी। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ आज और मुझे खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगा। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है, नाम के बारे में हम बता चुके, थोड़ा एक्सप्लेन जो है जो यहाँ के ओनर है वो कर चुके हैं कि नाम ऐसा क्यों रखा गया था। तो आइए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। जी सर आप क्या बताना चाहेंगे खाने के बारे में? खाना बढ़िया, एकदम बढ़िया खाना, एक नंबर का। चलिए बहुत अच्छा। आप गुप्ता जी? आप ओके ओके भाई, खाना सभी अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा इनको भी दिखा दीजिए। जी हाँ हमारे साथ अभी और भी बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर हैं, तो सबकी राय जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रूबी जी। खाना यहाँ का कैसा लगा आपको? अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ सर आप? ठीक है खाना। अच्छा है, चलिए। तो बच्चे भी हैं भाई, बच्चों से भी जान लेते हैं। हाँ बेटा आप? बहुत अच्छा है। लगा यहाँ का? पहले भी आए कभी? पहले भी आए हो तो अच्छा लगता है, आते रहते हो आप, चलिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं चीफ एंड बेस्ट, ज़्यादा
महंगा भी नहीं है और खाना एक नंबर का, आपको अच्छा खाना मिलेगा और बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस है खाने का, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और खाने का यहाँ पे लुफ्त उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।